पड़ा है। देखो तो किसी का मोबाइल फोन है। डाया क्यों मुझे? ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं। ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? कहाँ गायब हो गए? अपने सब दोस्तों को भी उठा देता हूँ। हेलो, कौन? क्यों उठाया? ओ रहे बच्चे, निकल गए। पास के किसी गांव में जाते हैं। सबसे पास ढोलकपुर गांव है, चलो वहाँ चलते हैं। ये ढोलकपुर पहुँच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। एक आइडिया है, याद है जब राजू ने फोन किया था तो ज़ॉम्बी जैकी से बात हुई थी। मतलब इस फोन में ज़ॉम्बीज के नंबर हैं और इस फोन से कॉल ज़ॉम्बीज को ही लगता है। किसी और ज़ॉम्बी से बात हो जाएगी, बातों बातों में उसी से पूछ लेंगे आखिर ज़ॉम्बी का इलाज क्या है। मैं ज़ॉम्बी के बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर दुश्मन आर्मी भी ज़ॉम्बी ही हो तो एक साथ उन्हें कैसे रोका जा सकता है? हाँ हाँ, मुझे भी पता ही था, बस चेक कर रहा था। इन ज़ॉम्बीज को रोकने का एक तरीका है, इन्हें वापस सुला दिया जाए। पर वो कैसे? लोरी गाकर। इस ज़ॉम्बी से यही पता चला। ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा, सो जा प्यारे दुलारे, सो जा, सो जा प्यारे, सो जा, सो जा मेरी आँख के प्यारे दुलारे। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं? सूरज भी डूब गया, अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता, ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में? अंदर जाकर पूछते हैं। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है।
हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है और वो पुल टूटा होने की वजह से कई सालों से बेकार खंडर हो गया है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। यहाँ तो कोई चेन भी नजर नहीं आ रही। हाँ, फिर ट्रेन कैसे रुकेंगे? कहीं ट्रेन सचमुच टूटे पुल पर जा पहुँची तो? ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। पार्टी में नहीं जा सकते, हमें राक्षस का भेष बदल कर जाना चाहिए जिससे उन्हें शक ना हो। मैं जग्गू के पास जाता हूँ। हमें भी कीड़े अच्छे लगते हैं, हम भी राक्षस हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि राक्षसों की पार्टी में आ पहुंचे, इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि राक्षस कितने बुरे होते हैं। तुम सब आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। नहीं छोड़ेंगे, हमारी पार्टी खराब करने की सजा देंगे। हे, मैं यहाँ हूँ। लगता है वैम्पायर है। यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। शुक्रिया वैम्पायर। क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर।
वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब ना अब भीम उनको सबक सिखाएगा। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भी? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 पूछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो, शायद ये वही पेड़ है। ये वो आर्म
जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। तीन बंदर? भीम, ये मामूली बंदर नहीं, बॉम बंदर है, बॉम। देखो देखो क्या किया। हम्म
फूंक मारो ढोलू भोलू, अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम है सिर्फ तीन और वो है चार। तुम उनकी फिक्र मत करो, देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। क्या बात है महाराज, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? अब तुमसे क्या छुपाना भीम, ये देखो भीम हमारा पहला सफेद बाल। तो क्या हुआ महाराज, अभी चाचा के तो सारे बाल सफेद हैं। भीम सफेद बाल का मतलब है हम बूढ़े हो रहे हैं। कहाँ रह गए थे भीम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं महाराज से उनकी चिंता का कारण पूछने गया था। तो क्या बताया महाराज ने? कुछ अजीब सा ही कारण बताया, पता नहीं महाराज सिर्फ एक सफेद बाल होने से इतने चिंतित क्यों हैं? भीम! क्या हुआ कालिया? महाराज के सारे बाल सफेद हो गए हैं। क्या सारे बाल सफेद हो गए? हमें अभी महल जाना होगा। तो जो मैंने सुना वो एकदम सही है, राजा को लग गया है बुढ़ापा। अब देखो घोल खाल की ये जवानी की दवाई क्या कमाल दिखाती है। क्या हुआ भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज सब ठीक है। मेरी ये जवानी की दवाई, ये दवाई आपको हमेशा जवान रखेगी महाराज। हाँ ये क्या, महाराज के सफेद बाल तो काले हो गए। ये दवाई तो सचमुच काम कर रही है। क्या सच में? सिपाही इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं पूरे राज्य को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप पूरे राज्य में इस दवाई को सबको दें। ये क्या हुआ भीम, सब जवान नहीं बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। ये क्या, घोलघाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सबके सब चुपचाप बैठ जाओ वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। अब देख हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। मेरे घोल की ताकत से कोई नहीं टकरा सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। पहले सबको ठीक करो उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो। भीम आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज ये तो मेरा फर्ज था। हाँ?
सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं, कौन पहले खाना खाना चाहता है, हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था, पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना बोलू? खीर, मक्खन और पुलाव, और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन, मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ 1 सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है, और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट। Kakalia, never backs down.